गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जीके का लेक्चर है। ठीक है, 23 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो 24 है, वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, तो इसमें क्या होता है कि दो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको दिखने में और बोलने में भी थोड़े थोड़े सेम होते हैं, बट उनका जो मतलब होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सम पेयर्स ऑफ वर्ड आर सच दैट वन वर्ड ऑफ द पेयर इज जनरली कन्फ्यूज विद द अदर। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, थोड़े कन्फ्यूज होते हैं। गिवन बिलो आर सम सच पेयर्स ऑफ वर्ड अलोंग विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे उनके जो मीनिंग है वो थोड़े डिफरेंट हैं, इनको एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फर्स्ट, जैसे एंजेल है, सॉरी एंजेल, गॉड्स मैसेंजर। तो जो एंजेल होता है उसको गॉड्स मैसेंजर कहा जाता है, भगवान का दूत। और एंजेल, अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ सम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंजल। तो कुछ ऐसे कोण हैं, कुछ भाग हैं, कुछ रेखाएं हैं, तो उसमें कुछ ऐसा एंगल होता है, ठीक है, तो हम जिसे एंगल कहते हैं, कि जैसे त्रिकोण हो गया, अपने मैथ्स में आता है ना, वर्टिकल, सर्क्युलर, ये सब एंगल हो गया। फिर बेल है, जो सेकंड बेल, तो बंडल, जो बेल BALE होता है, बंडल होता है। और बेल, वो सिक्योरिटी, तो बेल माने सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे चोर को किसी ने पकड़ लिया है, ठीक है, जेल में चला गया है, बट उसको कोई बेल दिलवाता है, मतलब कि उसकी कोई जामिन दिलवाता है, उसको बेल कहा जाता है, बेल। और हॉर्नरी है, विथआउट सैलरी, हॉर्नरी का मतलब विथआउट सैलरी, सॉरी सैलरी, मतलब कि सैलरी के बिना कोई भी काम करना, पैसे न लेना। फिर हॉनरेबल, रिस्पेक्टेबल, हॉनरेबल का मतलब रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट देना। बी साइड, बाय द साइड ऑफ, तो बी साइड का मतलब साइड के, बाय द साइड, बाय द साइड। फिर बी साइड्स इन एडिशन आउट, इन एडिशन टू, कि उसमें जोड़ान करना। लेसन, वर्क सेट फॉर प्यूपिल, तो जो वर्क होता है प्यूपिल का वो। फिर लेसन टू रिड्यूस। फिर पेट्रोल, फ्यूल यूज, हाँ, फ्यूल यूज्ड इन कार ट्रैक्स इट इज इट, जो हम कार वगैरह में फ्यूल वगैरह भरते हैं वो। फिर पेट्रोल, टू टेक राउंड ऑफ एन एरिया, तो वो जो एरिया का राउंड होता है वो। फिर कैनवास, टू सीक वॉट सपोर्ट ऑर्डर्स इट इज फ्रॉम पीपल, जो कैनवास है वो वॉट्स में सपोर्ट करना, फिर ऑर्डर वगैरह देना वो पीपल को। फिर कैनवास, कैनवास का मतलब होता है अ काइंड ऑफ कोर्स क्लॉथ मेड ऑफ क्लॉथ फ्लेक्स और हेम्प। तो आपको पता होगा ऐसा गोल गोल टाइप का, वो वाइट कलर का कैनवास आता है वो। हील, टू क्योर, कि हील का मतलब होता है, टू क्योर माने कि कोई जैसे बीमार पड़ गया है तो वो कैसे ठीक हो जाता है, तो उसको हील कहते हैं। फिर हील, HEE, सॉरी HEEL, हाइंड पार्ट ऑफ द फुट, जो हमारे भाग का जो हील होता है ना, कि हमारे पग का, ठीक है, जिसे हम हमारे पग का जो हील भाग होता है वो, फुट का। कैरियर, कोर्स ऑफ लाइफ, करियर, सॉरी करियर, कोर्स ऑफ लाइफ, तो हम जो अभ्यास करते हैं या फिर जो कारकिर्दी करते हैं उसको करियर, कोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। फिर कैरियर, एनी पर्सन और थिंग दैट कैरीज, तो हम किसी की चिंता करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, उसको कैरियर कहा जाता है। अब क्वाइट कंप्लीटली, हाँ, क्वाइट का मतलब कंप्लीटली कि संपूर्ण, और क्वाइट माने साइलेंट, क्वाइट माने साइलेंट। हर्ड, पास्ट टेंस ऑफ हियर, जो पास्ट आपने टेंस पढ़े ना कि प्रेजेंट, पास्ट, टेंस, फ्यूचर, तो उसमें जो हर्ड होता है वो पास्ट टेंस ऑफ हियर है, कि सुनने का पास्ट टेंस। फिर हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ वन काइंड, जो ग्रुप होता है कि समूह भी हम कह सकते हैं हर्ड का मतलब। लेन, अ नैरो सीट, लेन, पास्ट पार्टिकल ऑफ लाई, तो LANE, वो नैरो स्ट्रीट होती है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊं तो जो नैरो माने जो लाइन वगैरह होती है उसको नैरो सीट, स्ट्रीट। लेन, LAIN, पास्ट पार्टिकल ऑफ लाई, तो जो लाई का पास्ट पार्टिकल। रेज, टू लिफ्ट, मतलब कि रेज, मतलब कि रेज, मतलब हाँ, रेज मतलब टू लिफ्ट माने ऊपर जाना, कि उसको ऊपर जाना, मतलब कि ऊंचा करना, उसको बोल सकते हैं। रेज, RAYS, बीम ऑफ लाइट, बीम्स ऑफ लाइट, जो लाइट के जो बीम्स होते हैं वो। चिल्डिस, सिली, चिल्डिस, सिली माने जिसे हम बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। चाइल्डलिक, चाइल्डलिक माने इनोसेंट, चाइल्डलिक, चाइल्ड लाइक, सॉरी, चाइल्ड लाइक माने इनोसेंट, जिसे हम वो दो संवेदनशील, इनोसेंट कह सकते हैं।
काउंसिल एंड असेंबली, काउंसिल एंड असेंबली मतलब कि कोई कोई ऐसे जैसे हम कोई जो राजनेता होते हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स का कोई एक तंत्र है, ठीक है, कोई एक विभाग है, तो उसको काउंसिल कहा जाता है। काउंसिल एडवाइस, काउंसिल एडवाइस माने सलाह। पॉपुलर लाइक बाय पीपल, तो जो पॉपुलर होते हैं वो क्या होते हैं कि पीपल उन सबको लाइक करते हैं, जैसे कोई स्टार है आपका फेवरेट, तो आप सभी उनको लाइक करते हो, ठीक है, तो उसको पॉपुलर कहा जाता है। पॉपुलस फुल ऑफ पीपल, पॉपुलस फुल ऑफ पीपल की ढेर सारे पीपल। स्टेशनरी हैविंग फिक्स्ड प्लेस, तो जो फिक्स प्लेस होता है वो कि वहाँ पे ही रहते हैं। स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल सच एज पेन पेंसिल एंड पेपर। स्टेशनरी मतलब कि जो जो ये बुक्स वगैरह रहती हैं, कि पेन वहाँ पे मिलती है आपको, बुक्स मिलती हैं, जैसे आपको कुछ मटेरियल लेने हैं, पेन पेंसिल पेपर वहाँ से मिलते हैं। फिर एक क्रॉप्स, क्रॉप्स अ डिवीज़न ऑफ आर्मी, क्रॉप्स, हाँ क्रॉप्स माने अ डिवीज़न ऑफ आर्मी, कि कोई डिवीज़न है आर्मी का, मतलब कि आर्मी की कोई ऐसी शाखा है। क्रॉप्सी अ डेड बॉडी, क्रॉप्सी माने कोई जिसे हम लाश वगैरह कहते हैं। हर्ट HER, हर्ट अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का महत्वपूर्ण अंग। हर्ट HERT, हृदय भी कह सकते हैं, ठीक है। हर्ट HART, अ मेल डियर, जो हर्ट होता है कि जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, उसमें मेल डियर। मोरल रिलेटेड टू मोरालिटी, कि मोरल रिलेटेड टू मोरालिटी मतलब कि हमने उसमें से कुछ सीखा, उसको जानने की कोई ऐसी बात। मोरेल, मोरेल द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मोरेल की माने द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कोई आप में कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंस कितने हो। अब उसके बाद है कि 25 वन वर्ड फॉर मैनी, तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि राइट वन वर्ड फॉर मैनी इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो उसमें लाइब्रेरी, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन। तो फर्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, की जो बुक्स का कलेक्शन कहाँ पे होता है, लाइब्रेरी में। अ टूल विथ शार्प कटिंग एज टू कट और शेप वुड और स्टोन, तो ऐसा कोई टूल है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी हेल्प से हम कटिंग कर सकते हैं, फिर वुड को हो या फिर स्टोन हो, उसको शेप दे सकते हैं। तो उसमें चिसेल आएगा, माने छेनिया थोड़ा होता है, तो उसमें जो छेनी होती है वो। अ प्रिंसिपल चर्च इन डायोसिस, तो उसमें कैथेड्रल आएगा, कि जो चर्च में एक जगह है डायोसिस, उसको कैथेड्रल कहा जाता है। ऊपर स्पेलिंग भी है, यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो आप ऊपर से मैच कर लेंगे, ठीक है, आपको कोई दिखाई ना दिया हो या समझ में ना आया। अ मैन वू प्रिपेयर मील्स इन अ होटल, कि जो होटल होती है उसमें जो खाना वगैरह बनाते हैं या फिर रेडी करते हैं, उसको चेफ कहा जाता है। एन अंडरग्राउंड रूम वेयर वाइन इज स्टोर्ड, उसमें सेलर आएगा, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वाइन वगैरह नीचे छुपाई जाती है, या फिर एक ऐसा कमरा होता है, उसको सेलर कहा जाता है। अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, तो उसको एग्जीबिशन कहा जाता है। एग्जीबिशन कि जैसे कोई पेंटिंग है या फिर कोई ऐसी आर्ट है, तो वहाँ पे उसकी पब्लिश करते हैं या फिर उसके काम को बताया जाता है वो एग्जीबिशन में। मटेरियल मेड फ्रॉम एनिमल स्किन बाय टनिंग, वो लेदर, कि ऐसा कोई मटेरियल है कि जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन में से बनाने में आया, तो वो लेदर। एनिमल्स कैप्ट और डेल्ट इन फॉर यूज टू प्रॉफिट, तो उसमें लाइव स्टॉक। सिग्नेचर्स गिवन बाय फेमस पर्सन टू देयर फैंस, ऑटोग्राफ्स, तो जैसे कोई बड़ा स्टार है या फिर कोई बड़ा क्रिकेटर है, तो वो उनके फैंस वगैरह को जो सिग्नेचर देता है, तो उसको ऑटोग्राफ कहा जाता है। अ थिंग डन टू फूल और डिवाइस समवन, ट्रिक, तो जैसे किसी को फूल बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, तो उसको ट्रिक कहा जाता है। 10 देख लिया, अब 11। अ डिप्लोमेटिक पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री अब्रॉड, कि कोई ऐसा पर्सन है कि जैसे डिप्लोमेटिक माने कोई राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक अपनी कंट्री को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें एम्बेसडर। अ प्लेस वेयर बियर इज ब्रीव्ड, तो उसमें ब्रेवरी आएगा, कि जहाँ पे बियर को ब्रेव्ड किया जाता है। स्मॉल एंट लाइक्स इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव टू थिनर, तो उसमें थर्माइट्स। ऑलमोस्ट अ
असलीप और वेरी स्लीपी, तो उसमें ड्रोवी ड्रोफसी सॉरी, जो यहाँ पे ड्रोवी, हाँ ये लास्ट वाला ड्रोवसी, वो 14 का आंसर। उसमें टर्मिट्स आएगा ऑलमोस्ट अस्लीप और वेरी स्लीपी, तो उसमें ड्रोसी की सुता हुआ या फिर बहुत ही गहरी नींद में, उसमें ड्रोसी। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, कि जो अनाज होते हैं उनको रखने का स्टोर हाउस, तो उसमें ग्रेनरी आएगा, कि ग्रेनरी माने जो हमारे घर में भी कहीं पे होगा, ठीक है, कि जहाँ पे आप अनाज वगैरह रखते होंगे। अ बंच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट टू समवन बकेट, कि जैसे आपको कोई आपका बर्थडे, या फिर हमारे यहाँ तो कम होता है कि बाहर की कंट्री में ज़्यादा होता है, किसी का बर्थडे, किसी ने शादी की है, या फिर कोई हम उनको बुके वगैरह देते हैं, तो उसको बकेट कहा जाता है। प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, तो उसमें आएगा कि क्लाइंबर्स क्रीपर्स, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको उनको सपोर्ट के लिए, मतलब कि उनको हम थोड़ा सपोर्ट देते हैं ना, कि वो टूट न जाए या फिर नीचे न गिर जाए, तो उसको क्लाइंबरी क्रिपर्स कहा जाता है। तो ये आपकी जो वर्क सॉरी ये जो बुक है आपकी जीके की, उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए 17 के आंसर, और आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।